हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोई भी संख्या ऐसी जिसका इकाई का अंक अथवा अंतिम डिजिट 5 हो, उसका हम वर्ग अथवा स्क्वायर कैसे सेकेंडों में निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हम उसको समझेंगे अच्छे से। तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या, छोटे से पहले लेकर चलेंगे। मान लेते हैं ये एक संख्या है 25, इसका अंतिम डिजिट 5 है, यानी इकाई का अंक 5 है। तो आइए देखते हैं, इसमें 5 इसका इकाई का अंक है। इसका स्क्वायर निकालने के लिए, इसका स्क्वायर हमें निकालने के लिए अंतिम वाला जो अंक है इसका हम स्क्वायर कर देंगे, यानी 5 × 5 यहाँ लिखेंगे तो 25 आया। अब बगल वाला जो अंक है, जो बगल वाला अंक है अर्थात 2, इसके हिसाब क्या करेंगे कि इस 2 से बड़ी संख्या, क्रमागत बड़ी संख्या 3 होती है, तो जस्ट अगले वाले क्रमागत संख्या यानी 3 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6। कितना आया? 6। अब इस 6 को उठाकर यहाँ लिख देंगे। दोस्तों, आपको आसानी से, अब इसका 25 का स्क्वायर 625 आसानी से समझ में आ गया कैसे निकाला गया। इसी प्रकार मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए 125। कितना है? 125, ये 125 है। इसका स्टिक से निकालने के लिए वर्ग हम क्या करेंगे कि इस 5 का स्क्वायर निकाल देते हैं, तो 5 × 25 ऐसे लिख दिया, 5 × 25 इसको ऐसे लिख दिया। अब 12 की क्रमागत आगे वाली संख्या क्या होगी? 13, तो 12 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, इसका हो जाएगा 12 × 120 + 36, यानी 156, यानी यहाँ पर हम लिख देंगे 156। इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 15,625, ये किसका स्क्वायर आ गया? 125 का। इसी प्रकार किसी भी संख्या का हम वर्ग निकाल सकते हैं जिनका इकाई का अंक 5 हो। दोस्तों, आशा करता हूँ यह ट्रिक आपको पसंद आया होगा और समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार के ट्रिकी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।